हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साईटेक विजन टू बिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक बेस्ट पीसी बिल्ड को लेकर के, जो कि काफी सारे कमेंट आ रहे थे कि मैरिज वीडियो एडिटिंग्स के लिए हमें कौन सा पीसी बिल्ड करना चाहिए, वो भी i5 के अंदर। सो उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो जितने भी लोग इस टाइप के कमेंट किए हुए हैं, मैं सभी लोगों का जवाब देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर। सो इसे प्रॉपर समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि मैं इस टाइप की बहुत सारी वीडियोज लेकर के आने वाला हूं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं मेन टॉपिक पर। तो आज के टॉपिक में है बेस्ट पीसी बिल्ड विथ i5 प्रोसेसर। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग प्रोसेसर के बारे में ही बात करेंगे, तो यहां पर मैंने लिया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इंटेल का कोर i5 9400F 9th जनरेशन का सीपीयू। अब आप लोगों का कहना होगा कि इससे ऊपर भी एक आया हुआ है, 9600 आया हुआ है, तो उसको हम क्यों ना लें। तो यहां पर लेने का मेन रीजन ये है कि अगर हम परफॉर्मेंस वाइज देखें तो बहुत ज्यादा का डिफरेंसेस आपको उस प्रोसेसर के अंदर और इस प्रोसेसर के अंदर नहीं मिलेगा। बस फर्क क्या है कि ये एफ सीरीज का है, तो इसके साथ आपको ग्राफिक कार्ड लगाना ही पड़ेगा, और उस प्रोसेसर के साथ में जो है इनबिल्ट ग्राफिक है जो बिना ग्राफिक के भी चलेगा। लेकिन सिर्फ ग्राफिक के लिए प्राइस का बहुत बड़ा डिफरेंसेस हो जाता है, वो करीब करीब 20,000 रुपए के आसपास का जो है आपको सीपीयू मिलेगा, 20-22,000 रुपए के आसपास का, और ये आपको मिल रहा है 11,000 से 12,000 रुपए के आसपास का सीपीयू ये आपको मिल जा रहा है। तो यहां पर बजट का डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है, और ग्राफिक के लिए, इंटरनल ग्राफिक के लिए इसलिए वहां जाना जरूरी नहीं है कि जो इस लेवल का पीसी बिल्ड करना है जिनको, वो ग्राफिक कार्ड अलग से लगाएंगे ही लगाएंगे, क्योंकि उस जो इंटरनल ग्राफिक है उससे काम चलने वाला नहीं है। तो इसलिए जब ग्राफिक हमको लगाना ही है तो क्यों हम उसके लिए ज्यादा पैसे पे करें, एक तो ये हो गया। और उसके बाद जो है उसके अंदर एक्चुअली जो ओवरक्लॉकिंग है उसको करने के लिए आपको जो मदरबोर्ड लगेगा वो एक्चुअली 390 वगैरह लेना पड़ेगा, जिसका प्राइस लगभग लगभग 12-13,000 रुपए है। तो वहीं पर बजट आपका प्रोसेसर और जो है सीपीयू का लेकर के 32-33,000 रुपए तक पहुंच जाएगा, तो बहुत हाई कॉस्ट हो जाती है, और वहां पर आपको कोई खास बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। इसीलिए ये प्रोसेसर आपके लिए बहुत ही बेस्ट हो सकता है। सो इसी के लिए हम लोग इस पर ही पीसी बिल्ड करेंगे, तो आप ये ले लीजिए। इसके साथ में जो है आप मदरबोर्ड 360 या फिर 365 आप लगा सकते हैं, गीगाबाइट का B360M जो है आपको पड़ जा रहा है 6500 रुपए का। उसके बाद जो है MSI का B360M आपको पड़ जा रहा है 7000 रुपए का। तो ये जो प्राइस है हमेशा आप ऊपर नीचे होता रहता है, सभी सही हैं, जो इसमें से सही रेट में मिले वो आप जो है बाय कर सकते हैं। उसके बाद 365 भी लगा सकते हैं, जैसे कि MSI का 7199 रुपए का भी फिलहाल है, और ASUS का जो है 7890 रुपए है। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं, दोनों के अंदर यानी इन चारों के अंदर ही आप जो है M.2 का सपोर्ट मिलेगा, M.2 SSD भी आप जो है ऑन बोर्ड लगा सकते हैं, तो ये बेनिफिट है। तो 360 या फिर 365 में से जो भी आपको सही लगे, जो आपके बजट में लगे, वो आप जो है बाय कर सकते हैं। उसके बाद जो है ग्राफिक के लिए कम से कम 1050 Ti आप लगाएं, ताकि आप बेहतर तरीके से आप वीडियो एडिटिंग रेंडरिंग कर पाएं, चाहे तो आप गेमिंग भी कर सकते हैं। तो 1050 Ti का जो प्राइस है अभी 10,750 रुपए ASUS का है। इसी प्रकार से अगर आप MSI का लेना चाहते हैं तो 11,000 रुपए के आसपास में है, गीगाबाइट का लेना चाहते हैं तो 10,996 यानी 11,000 रुपए के आसपास में है, 10,996 यानी कि 11,000 रुपए के आसपास में। तो इस तरीके से ग्राफिक आप 1050 Ti कम से कम आप उसके अंदर यूज कीजिए, काफी बेहतर परफॉर्मेंस वाला जो है पीसी i5 आपका बनेगा। तो इसमें से कोई भी आप ग्राफिक आप इसके अंदर लगा सकते हैं जो आपको सही लगे। उसके बाद हम रैम की बात करते हैं, कम से कम 8GB, अधिकतम भी 8GB होना चाहिए, 8GB एक बेस्ट है इस पीसी के लिए, 8GB बहुत ही सही है, इससे ऊपर की भी आपको जरूरत नहीं है। तो 8GB कोर्सेर का अगर हम देखें यहां पर 8GB DDR4 2400 MHz में, तो यहां पर आपको मिल रहा है 2796 करीब 2800 रुपए में, तो आप इसको भी बाय कर सकते हैं। उससे आगे जो है हाइपर फ्यूरी एक्स का 8GB 2666 MHz में आपको पड़ रहा है यहां पर 2770 रुपए, तो ये आप ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, दोनों में से कोई सा भी लगा लेंगे तो परफॉर्मेंस पर देखने में उतना ज्यादा कोई आपको असर पड़ने वाला नहीं है। तो इसमें से कोई सा भी आप जो है एक गेमिंग रैम लगा सकते हैं, जो कि हीटसिंक के साथ है, काफी बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए एनफ है। उसके बाद जो है आप M.2 SSD लगाएं, M.2 SSD इसलिए कि ऑनबोर्ड लगाएंगे तो डायरेक्ट जो है ये बोर्ड पर कनेक्टिविटी, कोई वायर वगैरह का झंझट नहीं है, कोई सिग्नल लॉस वगैरह का कोई भी लफड़ा नहीं है, इसका परफॉर्मेंस काफी बेहतर होता है। तो इसमें अगर सस्ती आप लेते हैं तो
ग्रीन वाली भी मिल जाएगी, लेकिन उससे बेहतर ये ब्लू वाली होती है, WD के अंदर ब्लू वाली होती है, इसका परफॉर्मेंस बेहतर होता है। तो 250 GB के अंदर कम से कम 3150 रुपए का पड़ेगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि 250 GB का ही लगाएं, ताकि आप और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर वगैरह गेमिंग वगैरह भी करना चाहें तो आपको कम ना पड़े, क्योंकि इसमें हमें सी ड्राइव बनाना होता है। तो सी ड्राइव, क्योंकि कई सारे सॉफ्टवेयर, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर भी आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यहां तक कि आप 128 GB भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से 250 GB रहेगा तो काफी बेहतर होगा। तो आप अगर WD का लेना चाहते हैं 250 GB ये ले सकते हैं, अन्यथा सैमसंग का 860 आप ले सकते हैं M.2 250 GB के अंदर, ये 3799 रुपए का पड़ेगा, यानी कि 3800 रुपए का ये आपको मिल जाएगा। दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं, दोनों का ही लगभग लगभग सेम परफॉर्मेंस है, तो दोनों में से कोई सा भी आप ले सकते हैं। उसके बाद जो है, आप चाहें तो साटा इंटरफेस वाला भी लगा सकते हैं। साटा इंटरफेस के अंदर 250 GB WD का आपको पड़ रहा है, ब्लू वाला ही जो आपने उसको देखा, यानी कि M.2 देखा, वही चीज है, बिल्कुल सेम परफॉर्मेंस देने वाला, 3739 रुपए यहां पर दिखा रहा है, आप इसको भी बाय कर सकते हैं अगर साटा इंटरफेस में लगाना है तो। और उसके बाद जो है सैमसंग 860 साटा इंटरफेस पे 3890 रुपए का आ रहा है, यानी कि 3900 रुपए के आसपास का ही आपको मिलेगा, तो आप इसको भी बाय कर सकते हैं। तो SSD के अंदर जो मैंने दिखाया M.2 अगर आपको सही लगता है ऑनबोर्ड पर लगाने के लिए, मेरे अगर पूछे तो M.2 लगाएं तो ज्यादा और बेहतर परफॉर्मेंस आपको मिल सकती है, लेकिन अगर आपको झंझट लगता है तो आप इसमें से साटा इंटरफेस भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो है हम आते हैं हार्ड ड्राइव पर, 1 TB हार्ड ड्राइव हमने लिया हुआ है एक, और अगर आपको एडिटिंग्स वगैरह का काम करना है तो बहुत लोग कई सारे जो है हार्ड डिस्क लगाते हैं, तो आप लगा सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट है। फिलहाल हम यहां पर ऐड करके चल रहे हैं 1 TB WD का ब्लू वाला, 3249 रुपए दिखा रहा है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन में ट्राई करेंगे तो हो सकता है 2700-2800 रुपए में ये आपको मिल जाए। उसके बाद सीगेट भी ले सकते हैं 2649 रुपए, यानी 2650, बहुत ही अच्छा प्राइस ऑनलाइन चल रहा है, हो सकता है कि ऑफलाइन से भी सस्ता मिले, एक बार ट्राई कर लें, अगर बेहतर होगा तो आप सीगेट का भी आप लगा सकते हैं, 12 कूड़ा काफी बेहतर होता है डेस्कटॉप के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें इन दोनों में से कोई सा भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद जो है पावर सप्लाई, जो कुरसेर का 450 वाट NF है, 450 वाट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 450 वाट अगर लगाते हैं, जितना भी हमने अभी दिखाया उसके लिए 450 वाट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पड़ेगा 2498 रुपए का। लेकिन आपको लगता है कि आगे चलकर के एक्चुअली यहां तक 450 वाट कम पड़ जाता था, जब कई सारे सीडी ड्राइव वगैरह हमें लगाना होता था, बहुत ज्यादा हार्ड ड्राइव वगैरह लगानी पड़ती थी, लेकिन अब 1 TB आने के बाद और हार्ड ड्राइव खत्म होने के बाद जो है अब बहुत ज्यादा लोड नहीं पड़ता। फिर भी अगर आपको लगता है कि आगे चल करके 4-5 हार्ड ड्राइव हमको लगाना पड़ जाए, 1 TB के बहुत सारे हार्ड ड्राइव लगाने पड़ जाए, तो उस कंडीशन में आप जो है 550 वाट ले सकते हैं। 550 वाट अगर आप लगाते हैं तो 3448 रुपए फिलहाल दिखा रहे, 3500 रुपए के आसपास में आपको पड़ जाएगा। अन्यथा अगर बहुत सारे हार्ड ड्राइव आपको नहीं लगाना है, तो हार्ड ड्राइव भी अगर लगाना है तो आप आराम से जो है 450 वाट पर चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद कैबिनेट, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक जबरदस्त जो आम जो चलता है कुरसेर का एक बेहतर जो कैबिनेट है, बहुत ही ज्यादा चलता है, बहुत ही ज्यादा फेमस भी है, ये कैबिनेट आप बाय कर सकते हैं। इन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जो आपको सही लगे वो बाय कर सकते हैं। इसको एक बार ऑफलाइन भी ट्राई कर सकते हैं, ऑफलाइन भी और भी बेहतर आपको मिल सकता है, 2799 यानी कि 2800 रुपए में आपको मिल रहा है। अगर ना मिले तो ऑनलाइन भी आप जो है ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद BBC की अगर हम बात करें, सबसे सस्ता 1999 रुपए का ये वाला कैबिनेट बहुत ही फेमस है, क्योंकि सस्ता है और काफी अच्छा कूलिंग भी इसके अंदर सिस्टम है, तो आप इसको भी बाय कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप इसको बाय कर सकते हैं, BBC का 2799 रुपए का ये आपको पड़ जाएगा, जो ये भी काफी बेहतर है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप देखें तो जो मैंने एक आइडिया लगाया था, करीब करीब 45,000 रुपए में आपका एक i5 9th generation के साथ एक बहुत ही बेस्ट सिस्टम जो है बनकर के रेडी हो जाएगा, जिसको आप किसी भी प्रकार की वीडियो एडिटिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं या फिर गेमिंग्स वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा CPU हमने बनाया i5 के साथ 9th generation के साथ में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जो क्वेश्चंस थे उसका जवाब मिल गया होगा। फिर भी अगर किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, और किस चीज पर वीडियो चाहिए प्लीज आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं, अगर ये वीडियो से वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।